ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੇਅਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੀਸਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੇਸ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਗੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਪਰ गियर शिफ्ट नहीं कर दिया। अच्छा, तो फाइनली हमारी गाड़ी का जो मसला था वो क्लियर हो गया। अब ये गियर भी प्रॉपर शिफ्ट कर रही है और व्हीकल स्पीड की जो स्कैनर में रीडिंग आपको नज़र आ रही है वो भी काम कर रही है। ये देखें थर्ड गियर और ये हमारा फोर्थ गियर भी लग रहा है। एक छोटा सा मसला था जिसकी वजह से गाड़ी गियर शिफ्ट नहीं थी कर रही। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ये जो गाड़ी है टोयोटा यारिस है, 2009 मॉडल है। गाड़ी के अंदर मसला है कि एक तो इसमें चेक इंजन की लाइट आ रही है और सेकंड में गाड़ी जो तीसरा गियर है वो चेंज करती है, चौथा गियर चेंज नहीं करती। मैं आपको कस्टमर से ही पूछ के बताता हूँ। अच्छा, की मसला कर दिए भाजी? पंजाबी करो कोई मसला। हाँ, की मसला? गाड़ी जनाब जो पहला गियर भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, अच्छा तीसरा लाने वो भी ठीक है, चौथे गियर पे आकर रेस करती। अच्छा, रेस नहीं लेंदी गड्डी? मतलब रेस ज्यादा लेंदी पर गेयर शिफ्ट नहीं करती। अच्छा, ठीक है दोस्तों, भाई कह रहे हैं जी चौथा गियर जो है ना, फोर्थ गियर गाड़ी चेंज नहीं कर रहे, तो इसको इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसमें देखना जी डीटीसी क्या आ रहा है। डीटीसी हम चेक करेंगे, काम करने में हमें आसानी होगी। सबसे पहले इसको इंजन में जाके रीड फॉल्ट कोड करना है, ठीक है। अब ये देखें जी, इसमें आ रहा है P0500 व्हीकल स्पीड सेंसर। करंट में भी आ रहा है, हिस्ट्री में भी आ रहा है और पेंडिंग में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्लियर करेंगे। यस, ओके, ये डीटीसी क्लियर हो गया, चेक इंजन की लाइट चली गई है। तो अभी गाड़ी को हम ट्राई करते हैं रोड पे, फिर चेक करते हैं जी गाड़ी का जो गियर शिफ्ट है वो प्रॉपर करती है कि नहीं, ठीक है। इंजन में जाके मैंने गियर स्टेटस और व्हीकल स्पीड का सिग्नल यहाँ पे सिलेक्ट किया है। व्हीकल स्पीड की जो रीडिंग है यहाँ पे शो नहीं कर रहा और जो गियर है हमारा गियर स्टेटस, तीसरे गियर पे गाड़ी हमारी फंसी है, चौथे गियर पे जा नहीं रही जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा गियर सही प्रॉपर शिफ्ट हो रहा है, चौथा गियर नहीं लग रहा। गाड़ी बड़ी घुट घुट के चल रही है और जोर ले रही है, ठीक है। ये देखें स्पीडोमीटर इसका मीटर में सही काम कर रहा है और चेक इंजन की लाइट भी आ गई है और यहाँ पे नीचे व्हीकल स्पीड का सिग्नल यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि इंजन में व्हीकल स्पीड का जो सिग्नल जाता है वो नहीं मिल रहा इंजन कंप्यूटर को, जिसकी वजह से हमारा गियर शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है। जब तक व्हीकल स्पीड का सिग्नल ECM को नहीं मिलेगा, ECM को कैसे पता चलेगा कि अब इसका कौन सा गियर मैंने किस टाइम पर लगाना है, ठीक है। यहाँ से बैक आना है, ABS में जाना है। ABS में भी चेक करते हैं जी, ABS में व्हीकल स्पीड का जो सिग्नल है वो काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह वीडियो की समझ भी आएगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके पास जब भी गाड़ी आएगी आप भी इसी तरह फॉल्ट को क्लियर कर सकते हैं। और सेम पहले की तरह हमने यहाँ पर भी व्हीकल स्पीड का जो सिग्नल है उसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखें जी, यहाँ पर इसकी जो व्हीकल स्पीड की जो रेटिंग है यहाँ पे सही शो कर रहा है, ठीक है। और क्लस्टर मीटर में भी हमारा स्पीडोमीटर काम कर रहा है और सेम इसी तरीके से ये क्लस्टर मीटर वाली रेटिंग यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से बैक आना है, ABS में कर रहा है। अब हमने EMPS में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल में। यहाँ से डेटा स्ट्रीम और यहाँ पर भी हमने व्हीकल स्पीड का जो व्हीकल स्पीड को सिलेक्ट करना है और टॉप पे ले आना है। ये देखें जी, यहाँ पे भी इसकी रेटिंग सही शो कर रहा है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई ABS में और स्टेयरिंग में हमारी रेटिंग सही शो कर रहा है, बस इंजन में नहीं कर रहा। ये देखें, ये आगे किलोमीटर दिखा रहा है। अब हमने यहाँ से बैक आना, फिर एक दफ़ा इंजन कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, डेटा स्ट्रीम में जाते हैं। यहाँ से व्हीकल स्पीड को फिर सिलेक्ट करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ जी। ये देखें, यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है, ECM को सिग्नल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो गियर को शिफ्ट नहीं करा रहा, क्योंकि इसका गियर का और ECM एक ही कंप्यूटर होता है, गियर का सेपरेट कंप्यूटर नहीं आता। अब गाड़ी को हम लेके चलते हैं गैरेज में और गैरेज में जाके मैं आपको दिखाता हूँ जी फॉल्ट इसमें क्या।
अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका जो मीटर है इसको हमने ओपन करना है। मेरे पास ये सेम मॉडल का ये मीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका सिर्फ ऊपर वाला कवर नहीं है, सिर्फ इसको लगा के हमने चेक करना है कि इसके साथ हमारी गाड़ी ठीक होती है कि नहीं, ठीक है। तो ये इसका अपना वाला है, इसको पहले ये कवर वगैरह निकाल लेते हैं ये वाले, ठीक है। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा, थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो कोशिश करता हूँ कि इसी तरीके से आपके सामने मैं खोलूँ और आपके सामने चेंज करूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, ये कवर निकालने हैं, उसके बाद इसको पीछे की तरफ खींचना है आपने, तो ये आपका वायर, ये बाहर आ गया। सिंपल सा काम है। इसको लगा लेते हैं इधर, पहले ग्रिप लगा के गाड़ी को चला के देखते हैं, अगर तो गाड़ी ठीक होगी फिर ये इसका ऊपर वाला कवर निकाल के इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करेंगे, ठीक है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, स्विच ऑन कर लेते हैं पहले। ये इसकी जो गेज है इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी सेट करते हैं। अभी स्विच ऑन है, तो सबसे पहले डीटीसी रिमूव करते हैं, इंजन में जाना है, यहाँ से ओके करना है, क्लियर, यस, ओके, रीड फॉल्ट कोड, ठीक है, अभी कोड नहीं आ रहा। गाड़ी को स्टार्ट करना है, अभी गाड़ी को ड्राइव करते हैं और चेक करते हैं, ठीक। आ जाओ जी। हाँ जी आओ, ड्राइव ना जी। हाँ सारी चीजां पीछे रखो, चलिए। सबसे पहले सीट बेल्ट लगाता हूँ, उसके बाद डाटा स्ट्रीम में जाना है, उसके बाद हमने व्हीकल स्पीड, उसके बाद हमने शिफ्ट स्टेटस, ठीक है, ओके। अभी चेक करना है कि ये देखें जी, व्हीकल स्पीड की रीडिंग शो करनी स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे पास एक मीटर पड़ा हुआ था, ये मीटर की जो नीडल है ये थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने ये बस इसमें कंफर्म करना है कि गियर शिफ्ट करती है, और दूसरा ये वाली रीडिंग जो अभी ये इंक्रीज़ हो रही है ये वाली काम करती है व्हीकल स्पीड की रीडिंग के नहीं, बस ये हमने देखना था। ये देखें माशाल्लाह, ये यहाँ से भी नीडल काम कर रही है और यहाँ पे भी वर्किंग कर रहा है, और ये सेकेंड गियर और ये थर्ड गियर, अभी आपको पता चल जाता है जी चौथा गियर लगता है कि नहीं, ये फोर्थ गियर, अल्हम्दुलिल्लाह मसला इसका क्लियर हो गया। हाँ जी साहब जी, हूँ की महसूस कर रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारा गाड़ी सही हो गया, और माशाल्लाह आपका जो टॉयलेट है उसको सलाम करना चाहिए, और जो भी दूसरे देखने वाले हैं इंशाल्लाह वो आपके साथ रब्ता करें, आप बहुत अच्छे टेक्नीशियन। अच्छा ले जी, दोबारा चेक करते हैं। अच्छा जी, ये पहला गियर है और ये दूसरा गियर लग गया, और व्हीकल स्पीड की जो रीडिंग है उसको भी आप देखें, मतलब कितनी स्पीड पे जाके कौन सा गियर लगना चाहिए, ठीक है।
ये देखें जी, ये हमारा फोर्थ गियर लग गया है, 60 पे जा गए, तो किलोमीटर भी चल पड़ा है हमारा और गियर भी प्रॉपर सही शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से बैक आ जाना है तो रीड फॉल्ट कोड, ये देखें जी ट्रबल कोड नहीं आ रहा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।